आज तक भी इस समय भी गवर्नर रहने के बाद भी जिसको गवर्नर लोग बोलते हैं लेकिन हम उसको राज्य का बाल कहते हैं, आज भी मुझको ध्यान में नहीं है मैंने किसी व्यक्ति के बारे में राजनीतिक तौर पर कोई भी कटाक्ष या कोई भी टिप्पणी कोई भी बात ऐसी की हो, मुझे ध्यान में नहीं आता। मैं लक्ष्मण दास से पूछने गया कि क्या मुझे अनुमति है चुनाव लड़ने की, मेरे विरोधी से पूछने गया, उन्होंने कहा नहीं नहीं लड़िए लड़िए लड़िए, आप इसको राजनीति कह सकते हैं, इसको राष्ट्रनीति कह सकते हैं, इसको क्या नाम देना चाहेंगे, लेकिन मैं इसको नाम देता हूँ, आज मैं समझ में आता हूँ कि दिस इज स्पिरिचुअल डेमोक्रेसी, ये आध्यात्मिक लोकतंत्र है। भविष्य कैसा है उड़ीसा के लोगों का, उड़ीसा के खासतौर पर उन युवाओं का जिनकी आकांक्षाएं उड़ान ले रही हैं। 2025 विजयदशमी तक उड़ीसा भारत के मानचित्र पर ऐसा प्रदेश होगा जिससे सभी लोग अनुप्राणित होंगे, उद्भासित होंगे, आलोकित होंगे, उसके सत्य सौंदर्य और माधुर्य से आप्लावित होंगे।